आगे जो है नौजवानों को क्या संदेश देंगे आप और कैसे इस वर्ल्ड के लिए तैयारी करेंगे आप? मेरी तैयारियां बस अभी जल्दी शुरू होने वाली है मिस वर्ल्ड के लिए। मैं मेरी पूरी भारत की जनता से अनुरोध करूंगी कि जब मैं मिस वर्ल्ड में जाऊं या अगले साल हमारी नंदिनी गुप्ता मैम जब मिस वर्ल्ड में जाए तो उनके साथ पूरा अपना सपोर्ट रखें ताकि हम भारत वापस क्राउन लेके आ पाए, यही मैं कहना चाहूंगी। मतलब ये उपाधि लेने के पहले उज्जैन का सफर और आज के उज्जैन का सफर दोनों में अंतर कितना महसूस करती है? बहुत अंतर महसूस करती हूँ, लेकिन एक समानता ये भी महसूस करती हूँ कि मेरे उज्जैन के लोगों का प्यार उतना ही है, इनफैक्ट और बढ़ गया है। वो उतने ही आज भी सरल, सिंपल और आध्यात्मिक लोग हैं, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं उज्जैनी हूँ। मैं महाकालेश्वर मंदिर आप दर्शन करने गई थी, महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप राजा के सामने क्वीन पहन के गई और वहाँ पर उनको समर्पित करती तो अच्छा रहता, लेकिन आपने कहीं ना कहीं महाकाल की मर्यादा को ठेस पहुँचाई। मैं यही कहना चाहूँगी कि महाकाल बाबा की वजह से आज मैं हूँ जो वो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं अपने पापा के सामने भी ये क्राउन पहन के गई उन्हें बताने के लिए कि देखो आपने जो मुझे बनाया मैं आज वो हूँ। तो बाबा के सामने भी मैं क्राउन पहन के गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है और मुझे पता है बाबा का पूरा आशीर्वाद मुझ पर है और वो वर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर पर ऐसे ही बनाए रखेंगे। समर्पित कर सकती थी आप चरणों में उनके, उसका ये कहना पुजारी होगा। जी धन्यवाद।